हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्षय तृतीया के मौके पर रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा। भव्य तैयारियां इस वक्त अयोध्या में चल रही हैं और जिस जल से रामलला का जलाभिषेक होगा वो 155 देशों से लाया गया है और इन 155 देशों में रूस और यूक्रेन तो है ही जहाँ पर युद्ध हो रहा है, लेकिन इसके अलावा चीन और पाकिस्तान भी ऐसे देश हैं जहाँ से जल लाया गया। लेकिन अब आप आपको पाकिस्तान की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनके लिए भी वहाँ पर से जल यहाँ भेजना कितना बड़ा चैलेंज था। वहाँ की रावी नदी का जल जो है वो भारत लाया गया है, लेकिन आप समझिए कि जब वहाँ रहने वाले हिंदुओं से बात कही गई कि भगवान श्री राम का भव्य रामलला मंदिर बन रहा है अयोध्या में और भगवान राम के इस मंदिर के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी रामलला की, उस समय जलाभिषेक करने के लिए 155 देश, 7 महाद्वीप और 155 देशों का जल चाहिए। ऐसे में जब पाकिस्तान की बारी आई तो वहाँ रहने वाले हिंदुओं ने कहा कि यहाँ पर उनके लिए अगर वो ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान में उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने दूसरा तरीका ढूँढा। रावी नदी का जल जो है वो पहले दुबई भेजा गया, दुबई से वो भारत आया और फिर अयोध्या पहुंचा। आप समझिए कि पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब हैं कि वहाँ पर सोने चांदी की चोरी नहीं होती, वहाँ पर आटे की चोरी होती है, वहाँ पर दंगे होते हैं आटे के लिए, खाने के लिए, रोटी के लिए। रोज़े के मौके पर भी जो है जब रोज़ा इफ्तार की पार्टी की गई तो वहाँ पर रोज़ा इफ्तार में खाना लूटने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँच जाते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो दाने दाने को मोहताज है उसकी अकड़ भी कम नहीं हो रही है। बिलावल भुट्टो का भी आपने बयान सुना होगा, SCO की बैठक होने वाली है अगले महीने जिसमें भाग लेने के लिए बिलावल भुट्टो आ रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि वो भारत से बात करेंगे, क्या कुछ बात करेंगे, तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं बातचीत करने नहीं जा रहा, मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, वो भी SCO की जो मीटिंग होनी है उसमें भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। तो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और पाकिस्तान की ही जो पत्रकार हैं आरजू काजमी, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि मेरे दादा ने, मेरे पुरखों ने जो है प्रयागराज और दिल्ली छोड़कर पाकिस्तान बसने का फैसला किया था कि भविष्य सुनहरा होगा, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे जो पुरखे थे, हमारे दादा साहब ने कितनी बड़ी गलती की है पाकिस्तान आके। अब जो पाकिस्तान में रह रहे हैं आप समझिए कि वो इस तरह की बात कह रहे हैं, उनके लिए रोज़ कोई ना कोई एक जद्दोजहद होती है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान का भारत के खिलाफ एजेंडा, भारत के खिलाफ नफरत कम नहीं होती है। किस तरीके से पुंज में हमारे जवानों को मार गिराया गया, उन पर हमला किया गया और किस तरीके से लगातार ड्रोन से हथियार जो है भारत में फेंके जाते हैं, ड्रग्स फेंकी जाती है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो इस खबर पर जो भी आपकी राय हो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।